अखियां बिछाते बिछाते तेरी हसरत। असल दोस्तों, क्या हाल है? जहाँ भी रहें खुश रहें, बाद रहें, हंसते हो, मुता करें, पोला की तरह। तो हमारी छोटी क्या छोटी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो वीलोग करते हैं स्टार्ट, तो रहना है हमारे साथ साथ, वीडियो से पिक नहीं करनी, हमारे साथ जुड़े रहना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें फूलों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, बच्चे भी सब ठीक ठाक हैं। तो सहरी का जश्न टाइम है अभी शुरू हो चुका है। मैं जो है जब पानी ले आई तो अभी जो है आटा गूंथती हूँ। लाइट जो है वो भी नहीं है, देखें लाइट भी नहीं है, तो मौसम जो है वो भी ख़राब बना हुआ है। देखते हैं क्या होता है। ये देखें लाइट जो है वो भी आ चुकी है, तो लगता है शर्मा आ गया है बिजली वालों का। जो वाप डबल है ना, उनको लगता है कुछ शर्म आ गया है। माह रमज़ान का महीना है तो सहरी लोग करते हैं, इबादत करते हैं। जब भी सहरी का टाइम होता है बिजली का यही मसला है, जब भी सहरी का टाइम होता है बिजली का यही मसला होता है। आवाम बहुत परेशान होती है इबादत करने के लिए, कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए। अल्लाह पाक इसको हिदायत दे। ये वापडा वाले भी नेक काम करें और किसी और को भी करने दें। जी तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये देखें आटा जो है मैंने गूंद लिया है। अभी जो है इस पे लगाते हैं ये वाली कंदूरी इस तरह, ये देखें। और ये आ गया ऊपर इसका ढक्कन, ये भी आ चुका है। और ये जो है ये भी साथ हम रख देते हैं। इसके साथ जो होता है ना वो पेड़े वगैरह बना लेते हैं, तो इसलिए इसको इसके साथ रखते हैं। तो थोड़ी देर तक इसको रख देते हैं, फिर इसके जो है पेड़े बनाते हैं। पेड़े बना के तो फिर बनाएंगे रोटी। ये हमारा चूल्हा जो है वो भी जल चुका है, और चाय जो है ये भी ऊपर रख दिया है। तो आजकल के है ना लोग वो चल रहे हैं ना ईमानदार। तो शाम के टाइम जब मेरा बेटा गया दूध लेने, तकरीबन कोई 200 रुपए का दूध लेती हूँ, क्योंकि उसके साथ जो है ना रोज़ा भी रखते हैं और चाय भी बनाते हैं। तो शाम के टाइम एहसान जो है वो भी पीता है फीडर। तो जब वो दूध लेके आया ना एहसान को, मैंने फीडर एक बना दिया, उसने तो नहीं पिया। मैं कह चलो खैर कोई मसला नहीं है, बच्चे को भूख नहीं होगी। मैंने गौर करके नहीं देखा था। तो अब जब थोड़ी देर बाद मैंने चाय बनाई तो खीर वो हो गया ख़राब। तो दुकानें भी बंद हो चुकी थी, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मसला बन गया था। अभी जो है सहरी टाइम में किसी से ले आई ये थोड़ा सा, तो मैंने बोला चलो कोई मसला नहीं है, थोड़ी सी चाय बना लूं। तो सहरी के टाइम भी दूध यहाँ पर नहीं मिलता, अफ्तारी के टाइम भी बस कभी अच्छा दे देते हैं कभी बुरा देते हैं। चलो खैर उसका ईमान जैसा हो गया बस ठीक है, अल्लाह पाक को यही मंजूर था ना। अभी जो है मेरी चाय हो गई तैयार, तो फिर बनाते हैं रोटी। रोटी बना के तो फिर खाना खाएंगे। देखें आटा गूंद के पेड़े बना लिए हैं, अभी जो है इसको ले जाते हैं बाहर तवे पर
और बनाते हैं रोटी। तो मक्खियाँ तो बड़ी तंग करती हैं बड़ी। अभी रात का टाइम है तो इसने फिर भी हमें परेशान कर रखा है। वो देखें दिन रात ये मक्खियाँ बहुत जलील करती हैं। इसका तो कोई हल भी नहीं है, इसके साथ हम क्या करें। रोटी जो है मैंने बना ली है गरम गरम। अब जो है इसको इकट्ठी कर लें। ये देखें पूरी फैमिली की जो है होती है ना रोटी मैं बना लेती हूँ। तो जिसने रोज़ा रखना है वो रोज़ा रख लेगा, जिसने छोटे बच्चे हैं नहीं रखते। मैंने इकट्ठी कर लिया है, अब इसको अच्छी तरह से ढांप लेंगे ठंडी ना हो जाए। ये देखें तो इसको अच्छी तरह से ढांप लिया है। अब रोज़े का टाइम रह गया थोड़ा, तो जल्दी जल्दी हम करते हैं खाना स्टार्ट। तो हो सकता है आपको ना दिखा सकें, तो हम रोज़ा रख लें फिर जो है ना गपशप करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज़। उठाओ तो हाथ मुँह धोया है, हाथ मुँह धो के अम्मे के पास गया तो अम्मे के दूध के पैसे लिया है। तो मैं जा रहा हूँ दूध लेने, तो दूध लेता हूँ तो दूध ले के फिर आएंगे वापसी। गए दूसरी दुकान पर, वहाँ से नहीं दूध मिला तो ये है दुकान। तो यहाँ से पहुँच गए हैं तो यहाँ से दूध। मैं पहले दुकान पर गया नहीं दूध मिला, तो अब दूसरी दुकान पर जा रहा हूँ उसका नहीं मिला। अब तीसरी दुकान पर जा रहा हूँ तो इंशाल्लाह मिल जाएगी। नहीं मिला चीनी मिली है, तो पहले दुकान पर गया दूध नहीं मिला, फिर दूसरी दुकान पर गया वहाँ से नहीं मिला, फिर तीसरी दुकान पर गया वहाँ से दूध नहीं मिला। तो एक दुकान पर कह रहा था तो भाई जहाँ लेने गया है तो आधे घंटे बाद आ जाना फिर दूध ले जाना। ठीक है तो अब चीनी लेके जा रहा हूँ तो देता हूँ, तो फिर दूध आएगा फिर लेके आऊँगा। आ रहा हूँ तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। तो कह रहा आधे घंटे बाद, आधा घंटा हो चुका है तब चलते हैं तो दूध लेते हैं। दूध मिल चुका है, हम बहुत ज़्यादा खुश है। तो दूध मिल चुका है तब चलते हैं, खाला को देते हैं तो फिर रखते हैं फिर इंशाल्लाह। मौसम ख़राब है तो ये देखें जोड़ है, तो हवा भी चल रही है तो इतना धुंध है। ये देखें सारा जोड़ ही जोड़ है, लगता है बारिश आएगी। देखें जी अपने से ही काट लेते हैं। ये देखें जी हवा भी चल रही है तो जोर भी बन रहा है, तो लगता है रहेगा इंशाल्लाह बारिश आएगी। अब हवा चल रही है बहुत। रमजान की नस्बत से, इस बाबरकत महीने की नस्बत से आज जो है नात सुनाने के लिए आपको जो है सुनानी है आपको नात। तो दिल थाम लें, दिमाग फ्रेश कर लें। सवाब है नात पढ़ना और नात सुनना, हर बंदे को पता है कि ये जो है सवाब है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसलम अलैका या हबीब अल्लाह, मेरे आकाया के मुद्दत हुई है, मेरे आकाया के मुद्दत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में, तेरी हसरतों में तेरी चाहतों में, बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते, मेरे आकायाओं के मुद्दत हुई है। मेरा ये है ईमान, ये मेरा यकीन है, मेरे मुस्तफा सा न कोई हसी है, न कोई हसी है,
के रुख उनका देखा है जब से कमर ने, के रुख उनका देखा है जब से कमर ने, निकलता है मुंह को छुपाते छुपाते मेरे आकायाओं के मुदत हुई है, मेरे आकायाओं के मुदत हुई है। कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफा का जो दीवाना होगा, दीवाना होगा वो पुल पे से गुजरे गमसरूर होके, वो पुल पे से गुजरे गमसरूर होके। नारा नबी का लगाते लगाते मेरे आकायाओं के मुदत हुई है, तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते मेरे आकायाओं के मुदत हुई है। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जो है नात पढ़िए, अल्लाह पाक इसका सुनने वालों को अजर दे, पढ़ने वालों को अजर दे, आमीन सुम्मा आमीन। तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमें जो है सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, वीडियो को लाइक करते हैं, नात को लाइक करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे और उनको जो है खुशियाँ दे, और जैन बहन भाइयों की औलाद नहीं, अल्लाह पाक इस बाप बरकत रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला उनको औलाद ज़िंदगी अता फरमाए, और जिन के माँ बाप ज़िंदा है उनको अल्लाह पाक सलामत रखे, और जिन के माँ बाप वालदैन जो हैं बहुत हो चुके हैं अल्लाह पाक उनको इस नेक महीने के सदक़े जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन सुमा। जी तो प्यारे प्यारे आज की वीडियो पसंद है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें इजाज़त मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, साबिन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।